पत्थर कैसे बना भगवान। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वो पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दैख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता, मैं जिस हाल में जो उस हाल में छोड़ कर मुझे तुम यह से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो, यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी लोक पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वो पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाए और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा, दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वह पूजा पाठ करने आने लगे, लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उसे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते, ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि भी पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।